नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये आप लोगों के द्वारा सिलेक्टेड की गई वीडियो है, क्योंकि दोस्तों मैंने आज से पहले बहुत सारी वीडियो बनाई थी जिन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आपका व्हाट्सएप हैक है तो क्या करें, व्हाट्सएप हैक है या नहीं है ये कैसे पता लगाए, फेसबुक हैक है या नहीं है ये कैसे पता लगाए, आपका पूरा मोबाइल हैक है या नहीं है ये कैसे पता लगाए, और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। लेकिन आपके कमेंट आ रहे थे कि आपने सब कुछ बता दिया लेकिन अभी तक हमें ये नहीं बताया कि यदि हमारा जियो नंबर ही हैक है जो हमारे मोबाइल में चल रहा है तो फिर हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हम क्या जो है स्टेप फॉलो करें ताकि हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे। ओके दोस्तों, मान लिया कि आपका मोबाइल हैक है, ओके, तो उसके बारे में तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कैसे कैसे चेक करना है पीछे वीडियो बनाकर, ओके, लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो आ जाएगी, उसको देख लेना यदि आपने नहीं देखा। लेकिन दोस्तों यदि आपका जियो नंबर हैक है, ये आप पता कैसे चला लगाएंगे, मतलब ओके जियो नंबर हैक किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि आपके पास कोई कॉल कर रहा हो उसको कोई और टेपिंग पे लगा रखा हो आपका फोन और उसको कोई और सुन रहा हो, ओके, जैसे पुलिस वाले कर सकते हैं ये काम। उसके बाद कोई आपका मतलब फ्रेंड है, उसने आपके जो कॉल है उसको जो है डाइवर्ट किया हुआ है किसी और के नंबर पे, अपने नंबर पे, तो वहां पर आपकी सारी कॉल सुन रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है, ओके। इसके बाद ये हो सकता है कि आपकी जो लोकेशन है, आपके जियो नंबर की लोकेशन है, उसको ट्रैक पे लगा रखा हो किसी ने और आपको पता भी ना हो, ओके, तो वो आप कैसे पता लगाएंगे। तो बहुत कुछ पॉसिबल है दोस्तों, ओके, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपका जियो नंबर हैक है या फिर नहीं है, ओके, इसके बारे में पता लगाने के लिए आपको दो तरीके यूज करने हैं अपने मोबाइल के अंदर, वो दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, ओके। बात रही कि जो आपके मोबाइल की कॉल है उसको कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, कोई उसकी टेप तो नहीं बना रहा है जैसे पुलिस वाले करते हैं, तो उसके बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं वो जानेंगे वीडियो के लास्ट में। पहले दो तरीके जानते हैं कि हम ये पता कैसे लगाएंगे कि हमारा मोबाइल हैक है या फिर नहीं है और इससे इसका सोल्यूशन क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप जियो का नंबर यूज करते हैं, जियो के नंबर से ही मोबाइल में इंटरनेट चलाते हो और जियो के नंबर से ही आप किसी के पास कॉल करते हो, ओके, तो अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने मोबाइल के डायलर पैड में जाना है और दोस्तों यहां पर आपको तीन कोड डायल करने हैं, ओके, और फाइनली एक कोड आपको करना है डायल लास्ट में। अब दोस्तों ये कोड किस लिए है, ये कोड है आपकी यदि किसी ने कॉल हैक रखी होगी। हैक का मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि उसने पता नहीं क्या जुगाड़ लगा दिया, बस वो करते क्या है दोस्तों, कुछ मतलब गलत टाइप के बंदे रहते हैं, वो आपके कॉल को फॉरवर्ड पे लगा देते हैं, ओके, और उनका भी अलग अलग टाइप रहता है, जैसे अनकंडीशनल रहती है, नो आंसर वाली रहती है, बिजी वाली रहती है, एक होती है कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग, तो ये तीन चार टाइप की रहती है, तो आपको नहीं पता चल पाता है कि हो क्या रहा है मेरे मोबाइल में, ओके, तो उस चीज़ से आपको बच जाना है। बस आपको चार कोड डायल कर लेने हैं अपने मोबाइल में, ओके। सबसे पहला कोड है दोस्त, तो यहां पर आपको एक कोड डायल करना है, वो है *402, ओके, इसको आप डायल करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने हमें बता दिया है कि जो अनकंडीशनल कॉल थी जो फॉरवर्ड हो रखी थी वो हमने जो है डीएक्टिवेट कर दिया है, तो इससे आपकी एक प्रॉब्लम दूर हो गई है। अब आपको दूसरा कोड डायल करना है यहाँ पर *404, पहले 402 उसके बाद 404, ओके, इसको डायल करेंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हो, अब इससे दोस्तों जो आपके मोबाइल पर आप आंसर नहीं करते थे किसी का कॉल आया तो कॉल फॉरवर्ड हो जाती थी, उस टाइप की कॉल जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी, वो फॉरवर्ड होना बंद हो जाएगी, ओके। इसके बाद आपको टाइप करना है 406, पहले 402, 404, अब 406, अब इसको डायल करेंगे आप। अब दोस्तों इसका मतलब है जब आपका नंबर बिजी होता था तो आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाया करती थी, ओके, तो अब वो भी बंद हो चुकी है, ओके। इसके बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, *410 डायल करना है। अब यहां पर इसको डायल करेंगे। अब दोस्तों *410 जो हमने ये 410 डायल किया है, इससे क्या होगा, जब हमारा नंबर नॉट रीचेबल रहता था तो कॉल फॉरवर्ड हो जाया करते थे उसके नंबर पर, तो अब वो नहीं होगी, ओके। अब दोस्तों चलिए मैंने आपको बहुत सारे कोड बता दिए, यदि आपको लगता है कि ये चारों कोड ना डालने पड़े, बस एक ही कोड डालना पड़े हमें, तो आप केवल एक ही कोड डाल सकते हो, वो है *413,
इसको डायल करने से और बाकी के कोड डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे भी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग हो वो आपकी डीएक्टिवेट जो है हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है, कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो अब आप देख सकते हो जो कॉल फॉरवर्डिंग थी वो जो है डीएक्टिवेट कर की जा चुकी है, वो चाहे किसी भी टाइप की हो। तो आप ये *413 से एक कोड में ही सभी कॉल एक बार में डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है दोस्तों, ओके। अब दोस्तों इसके बाद आपको चेक करना है कि कहीं आपका जो डिवाइस है वही तो ट्रैक नहीं हो रहा है, ओके, आपके जियो नंबर के द्वारा। उसके लिए आप क्या काम करेंगे दोस्तों, चेक करने के लिए आप जाएंगे माई जियो ऐप में, ओके। डाउनलोड नहीं कर रखे होगी तो डाउनलोड कर लेना। तो माई जियो ऐप में जाएंगे आप, माई जियो ऐप में जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे ऊपर की साइड 3 डॉट पर, ओके। यहाँ पर 3 डॉट पर जाएंगे ऊपर की साइड, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, सेटिंग में आप जो है यहाँ पर चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ओके, यदि एक ही आधार नंबर पर हमने 2-3 सिम ले लिया है तो वो लिंक हो जाते हैं हमारे नंबर से, ओके। लेकिन उसके बाद भी जियो ने एक और फैसिलिटी दे रखी है कि आप किसी भी नंबर को अपने जियो नंबर से लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिंक टैब में जाकर, तो मेरा अभी कोई भी लिंक नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ से लिंक न्यू अकाउंट पर जाकर मैं मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर इसको लिंक कर सकता हूँ ओटीपी इसका जनरेट करके, क्योंकि दूसरे बंदे का मोबाइल मेरे हाथ में होगा। तो यहाँ पर आकर आपको चेक क्या करना है और कुछ भी नहीं करना है, ओके। यहाँ पर आना है माई डिवाइस पर, माई डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे मेरा दिखा रहा है कि आपके जियो नंबर से कोई भी डिवाइस जो है एक्टिवेट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपका भी ऐसा है तो फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यदि कोई डिवाइस रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी किस नंबर से है। तो यदि वो नंबर आपके संपर्क से बाहर है, ओके, आपको लगता है कि ये नंबर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको यहाँ पर डीएक्टिवेट या फिर डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, रिमूव करने का, उसको रिमूव कर लेना भाई दोस्तों यहाँ से, ओके। इसके बाद यहाँ पर लोकेट माई फोन का एक ऑप्शन मिलता है, इससे आपकी जो लोकेशन है वो जो है उस डिवाइस के पास शेयर की जाती है जो कि रजिस्टर होता है, जो कि लिंक होता है आपके नंबर से, या फिर जियो सिक्योरिटी में उसने और आपका सेम अकाउंट बना रखा हो लेकिन आपको पता भी ना हो, ओके। तो वहां से भी आपका जो है जो मोबाइल है जियो नंबर के द्वारा हैक किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यू हैव नो डिवाइस लॉगिन विद जियो सिक्योरिटी, यानी कि मेरा डिवाइस कहीं और लॉगिन नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर ना मेरा मोबाइल नंबर किसी से लिंक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आकर आपको चेक करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यदि ये चीज़ जो है कन्फर्म है तो फिर आपका जो जियो नंबर है वो कहीं भी हैक नहीं है। इसके अलावा आप थोड़ा वीडियो आगे देखिए दोस्तों, ये थे वो दो तरीके जो मैंने आपको बताए, ओके। अब बात करेंगे यदि आपकी कॉल को कोई रिकॉर्ड कर रहा हो, मीन्स कि जैसे आपने कॉल अटेंड किया उसको कोई सुन रहा हो, जैसे पुलिस वाले करते हैं, तो उसका आपको पता कैसे चलेगा दोस्तों। इसका पता लगाने का तरीका कुछ भी नहीं है, ये केवल आपको ही समझना है। आप किस तरीके से समझेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मान लीजिए कि आज आपको लगा कि आज आपने कुछ क्राइम किया है या किसी क्राइम के अंडर में आप आ चुके हो, ओके, तो तब जाकर ही पुलिस वाले ये काम करते हैं। अदरवाइज किसी को कोई अथॉरिटी नहीं है ये जो है टैपिंग वैपिंग करने की, रिकॉर्ड करने की, ओके, ना ही कोई कर सकता, केवल पुलिस का जो डिपार्टमेंट रहता है वो ही कर सकता है, ओके। अब दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें दोस्तों हमने एक बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, तो जब हमने इसको जो है प्रैक्टिकली जो है देखा था, ओके, मेरे दो दोस्त थे उनके साथ हुआ था एक बार घटना जब मैं दिल्ली में रहता था, तो जब ये हमने पर्सनली जो है नोट किया था। होता क्या था दोस्तों, जैसे ही किसी की कॉल आती थी तो वो कॉल जो है जैसे ही हमने अटेंड करी, उसके कॉल के अटेंड करने के बाद एटलीस्ट लगभग 10 या 7 या 5, ओके, मतलब 10 सेकंड तक के बाद ही हमें आवाज़ आएगी अगले बंदे की, ओके। तो जो 10 सेकंड तक का काम था वो डेटा को ट्रांसफ़र करने में लगा जाता है नेटवर्क के द्वारा, ओके, जहाँ तक हमने समझा। तो जैसे ही आप कॉल अटेंड करेंगे तो आपको तुरंत दूसरे बंदे की आवाज़ नहीं आएगी, लगभग थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जैसे 5-10 सेकंड तक, ओके। और एक चीज़ और होगी दोस्तों, ओके, जैसे आप कॉल अटेंड करेंगे जैसे ही उधर से कुछ आवाज़ आएगी तो आपको उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी मतलब लगेगा कि आपको यार बंदा तो बहुत एकांत में है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है नॉइस आया है, ओके, तो आपको थोड़ा सा लगेगा, हलचल से महसूस होगी। तो उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को आपको नोट करना है। और सेकंड एक चीज़ और होगी दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके, वो बंदा भी कुछ नहीं बोलेगा, चलो फ़ोन कट करते हैं, ना आपने उसको बोला फ़ोन कट करते हैं, और आपका फ़ोन ऑटोमेटिक ही बीच में कट हो जाएगा। वो फिर फ़ोन मिलाएगा, जैसे 1-2 मिनट होगी फिर आपका फ़ोन कट हो जाएगा। तो आप सोच लेना कि आपके कॉल जो है कोई सुन रहा है, ओके। और ये थोड़ी दोस्तों किसी को नहीं होती है, केवल जो मैंने आपको बताया उसी को होती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा, ओके।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और सभी दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो ये था इस वीडियो में, नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।